ये नॉन पेडिग्री है लेकिन आप लोग देख सकते हैं एकदम शाइन करता हुआ, मतलब माशाल्लाह से डॉग एकदम साथ है। मतलब ये शौक में आपने लिया था? तो भाई शौक में बच्चा बता रहा है कि शौक में लिया था बेटा, आपके पास नहीं गई है मतलब अभी तक? हम नहीं, हमारे पास ही, अभी तक नहीं करवाई हमने। अच्छा करवाई। सर प्राइस में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी जो आप बता रहे हैं? 25 हो जाएंगे। तो भाई 25 तक हो जाएंगे सर। पेडिग्री के हवाले से बात कर लें, ये नॉन पेडिग्री, इसके डॉक्यूमेंट मिस है। अच्छा डॉक्यूमेंट मिस हुआ है, वैसे पेडिग्री है। ये भी एक और डोज लगवाई हमने। सही है, वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो सर के पास, ये भी हमने लगवाई है। ये देखिए वैक्सीनेशन सर ने करवाई भी इसकी। अच्छा सर ये फीमेल है? ये फीमेल है, फीमेल दो बार ब्रीड कर चुकी है। दो बार ब्रीड कर चुकी है भाई, दो बार देख लिया छोटे इनकी वैक्सीनेशन में भी अभी थोड़ा टाइम है। फार्गो की वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा वैसे लगाई है? जी जी, फार्गो की वैक्सीन की हुई है। सही है, तो भाई वो वैक्सीन की हुई है और बाकी जो नॉर्मली वैक्सीन होती है वो अभी होती है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा ज़बरदस्त सा डॉग दिख गया, ये देख सकते हैं आप लोग, बड़ा मतलब माशाल्लाह से अच्छा सा डॉग है। तो अभी इनके ऑनर से मालूम कर लेते हैं कि क्या डिमांड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कौन सी ब्रीड है, ब्रीड के बारे में पहले बताइए। जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड है, तो सर इसका कोट क्या है, लॉन्ग कोट में ही? लॉन्ग कोट ने अभी कोट पूरा कर रहा है। अच्छा कोट पूरा कर रहा है अभी, तो भाई पूरा नहीं अभी पूरा कर रहा है। और सर इसकी एज वगैरह के बारे में बात कर लें तो ये 22 महीने का थी। 22 महीने का, तो यानी ब्रीड वगैरह पहले की होगी इसने? हम आपके पास नहीं गई है मतलब अभी तक? हम नहीं, हमारे पास ही, ब्रीड नहीं करवाई हमने। अच्छा करवाई नहीं है, ब्रीड नहीं करवाई है भाई अभी इससे, देख लें मतलब माशाल्लाह से लेंथ वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है। तो सर इसकी डिमांड वगैरह के बारे में बात कर लें। डिमांड वैसे अपने 90 की रखी है। अच्छा तो आपके अच्छे व्यूज होंगे तो उनके लिए कुछ कर लेंगे कमी पे। तो भाई 90,000 डिमांड है, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो सर इसके लिए आपको। तो सर इसमें जो है कमी पेशी कर लेंगे थोड़ी बहुत। अच्छा तो सर इसकी क्या कहते हैं वैक्सीनेशन के बारे में बताइए। कम्प्लीट है वैक्सीनेशन? कम्प्लीट है भाई, वैक्सीनेशन देख लें कम्प्लीट है और काफ़ी एक्टिव डॉग दिख रहा है मुझे। वैक्सीनेशन वगैरह इसकी कम्प्लीट है। तो सर अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 03131198569। सही है सर। तो सर लोकेशन आपकी? ये मेरी लोकेशन जिना हॉस्पिटल की है। अच्छा जिना हॉस्पिटल की भाई की लोकेशन है, तो जिना हॉस्पिटल पे भी आप लोग भाई से मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने अपना टाइम दिया। तो दोस्तों ये एक और बहुत ज़बरदस्त सा मुझे डॉग दिख गया है, तो अभी इस डॉग के बारे में इनके ऑनर से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कौन सी ब्रीड है पहले तो ब्रीड के बारे में बताइए। ये लैब्रा ब्रीड है। सही है, लैब्रा डॉग है। मंथ है जी इसकी उम्र, और 35,000 रुपये इसकी कीमत है। सही है सर। और ये हमारे घर का पला हुआ फैमिली डॉग है। अच्छा तो सर वो एज क्या बता रहे हैं आप इसकी? 7 मंथ, 7 महीने। 7 मंथ, तो यानी अभी ब्रीड तो नहीं की होगी, अभी छोटा है। अभी तो छोटा है। सही है, सही है, बच्चा है। तो सर इसकी पेडिग्री के हवाले से कुछ बताइए। पेडिग्री है, नॉन पेडिग्री है? नॉन पेडिग्री है। अच्छा भाई ये नॉन पेडिग्री है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं एकदम शाइन करता हुआ, मतलब माशाल्लाह से डॉग एकदम साथ होता है इन लोगों ने रखा हुआ है। तो सर आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। 2316। सही है। 2428। सही है। 223। सही है। और सर आपका नाम? उसामा। उसामा, तो भाई उसामा साहब का ये डॉग है, आप लोग देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा डॉग है। और सर इसको फीड वगैरह क्या दे रहे हैं आप वैसे? इसको दूध देते हैं, केक देते हैं। अच्छा घर की रोटी, मतलब सॉफ्ट फूड पे रखा हुआ है? सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट फूड के ऊपर है भाई। उबले हुए चावल, गोश्त उबला हुआ, यानी ये कुछ भी खा लेता है, घर का कुछ भी सामान हो कुछ भी खा लेता है। तो यानी घर का फैमिली के हिसाब से हाथ से खिलाना पड़ता है। अच्छा तो भाई फैमिली के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मतलब प्लेफुल भी है ये, और फैमिली में आराम से एडजस्ट कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने इतना टाइम दिया। अच्छा तो दोस्तों ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे डॉग मिला है, ये काफ़ी खूबसूरत है, और इन्होंने मतलब इसको जो है वो कपड़ा वगैरह पहनाया हुआ है तो और अच्छा लग रहा है ये। तो अभी मालूम कर लेते हैं इनके ऑनर। मतलब ये शौक में आपने लिया था? तो भाई शौक में बच्चा बता रहा है कि शौक में लिया था। बेटा इसकी एज वगैरह के बारे में आपको पता है? 9 महीने। 9 महीने, तो 9 महीने की एज है। तो छोटा लिया था आपने, पपी लिया था ये छोटा? तो भाई छोटा पपी लिया था। 2 महीने का था। अच्छा सही है, 2 महीने का था और 9 महीने का हो गया, ये एज बढ़ गई है इसकी। अच्छा तो बेटा इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं आप? 20,000 रुपये। तो भाई 20,000 रुपये जो है वो इसकी डिमांड है, देख सकते हैं आप लोग, मतलब लॉन्ग कोट के अंदर है और काफ़ी खूबसूरत सा है। तो अच्छा इसमें कुछ कमी पेशी हो जाएगी या बस फाइनल है बिल्कुल? थोड़ी बहुत हो जाएगी भाई, तो थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी, इसकी बात नहीं। तो ये लेकिन फायर ब्रिगेड जो ऑफिस है, फायर ब्रिगेड ऑफिस के यहाँ पे आपको भाई मिल जाएंगे। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा मतलब इन लोगों ने डॉग रखा हुआ है। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक और बहुत ज़बरदस्त सा डॉग मिल गया है। तो अभी इनके ऑनर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह हम लोग ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पहले तो ब्रीड के बारे में बताइए, ब्रीड कौन सी है? लैब्राडोर है। और सर इसकी अगर हम एज की बात कर ले तो 13 मंथ। तो सर इसने अभी ब्रीड तो नहीं की होगी? नहीं नहीं, ब्रीड नहीं की है। और सर अब इसकी आ जाते हैं हम लोग वैक्सीनेशन वगैरह के ऊपर, तो वैक्सीनेशन करवाई हुई है आपने?
तो भाई वैक्सीनेशन हुई हुई है इस डॉग की, आप लोग देख सकते हैं। तो सर प्राइस में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी जो आप बता रहे हैं? 25 हो जाएंगे। तो भाई 25 तक हो जाएंगे सर, निगोशिएट कर देंगे 25 तक। सही है सर। फूड वगैरह क्या देना है? फूड क्या देना है इसको अभी? राइस और चिकन देना। सही है। और बाकी रोटी देना। सही है। मतलब नॉर्मली फूड पे रखा हुआ है आपने, मतलब जरूरी नहीं कभी कभी डॉग, कभी कभी डॉग। तो सर अगर पेशेंट का आपसे कोई मिलना चाहता है तो मिल सकता है? नंबर दे। हाँ नंबर आप बता दीजिए अपना। 03। सही है। 23। सही है। 828। सही है। 70। सही है। 50। सही है। भाई का नाम? उसामा। तो भाई उसामा साहब से आप लोग जो है वो रابطہ कर सकते हैं डॉग के लिए और लोकेशन पे भी मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों आज जैसे कि आप लोगों को पता है जर्मन शेफर्ड की मार्केट के अंदर बाहर आई हुई है, तो एक और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा बड़ा सा हमें दिख गया है जर्मन शेफर्ड। तो अभी ऑनर तो और मालूम कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या डिमांड वगैरह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ब्रीड के बारे में बताइए। ये शॉर्ट कोट है, जर्मन शेफर्ड है ये। शॉर्ट कोट में जर्मन शेफर्ड। शॉर्ट कोट में आप लोग देख सकते हैं किंग साइज है ये। सही है। तो सर मेल है फीमेल है? ये मेल है। मेल है। तो भाई साइज वगैरह देख सकते हैं आप लोग, मेल है ये। सर इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से अगर? वैक्सीनेशन इसकी हुई भी है। अच्छा, तो मतलब कार्ड है वैक्सीनेशन? कार्ड है मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर, मलस का कार्ड है। तो भाई सर के पास कार्ड भी है और वैक्सीनेशन जो है वो सर ने करवाई भी। सर पेडिग्री के हवाले से बात कर ले। ये नॉन पेडिग्री है, इसके डॉक्यूमेंट मिस है। अच्छा डॉक्यूमेंट मिस हुआ है, वैसे पेडिग्री है। ये इस्लामाबाद से लेके आया था मैं, तकरीबन 2 माह पहले लाया हूँ। अच्छा जी जी। तो भाई डॉक्यूमेंट बस इसके मिस हुए हैं, लेकिन अभी मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा घर में, तो मैंने बोला ऐसे अजियत देने वाली बात है ना। तो अभी एक ही फिलहाल आपके पास? हाँ जी हाँ जी। तो भाई फिलहाल अभी सर के पास एक ही डॉग है जो ये सेल कर रहे हैं। सर डिमांड की बात कर लें? ये 120 है इसकी। अगर कोई भाई लेने वाला होगा ऊपर नीचे कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत मतलब गुंजाइश जी जी हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई थोड़ी बहुत इसके अंदर गुंजाइश हो जाएगी। सर फूड के हवाले से बात कर लेंगे, फूड वगैरह अभी क्या दे रहे हैं? फूड में इसको मैं दे रहा हूँ चिकन दे रहा हूँ, उसके बाद ये अपना मुर्गी के पंजे वगैरह दे रहा हूँ, कल्ले का गोश्त खा रहा है ये। मतलब नॉर्मल फूड है जी जी, जो फूड पे नहीं रखा हुआ। सही है भाई, डॉग फूड नॉर्मल मेन चीज है। घर में पिशी वगैरह नहीं करता, बाहर करता है। अच्छा बाहर की आदत है इसको। 24 घंटे भी आप इसको घर पे बांध के रखेंगे ये नहीं करेगा, करेगा बाहर। सही है। जितना भी खिला लो पिला लो इसको, ट्रेन है। सही है। खाली ये कैट के ऊपर जो ना गुस्सा करता है, बाकी वैसे फ्रेंडली लोग है ये। वरना मतलब जैसे घर के अंदर नहीं आने देते? नहीं नहीं। सही है। मतलब भाई घर के अंदर भी नहीं है, मतलब ट्रेन। अच्छा तो भाई भाई का ये एक और डॉग भी है, तो इसकी भी मालूमात ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो सर इसके बारे में बताइए। ये हमारी रोमांसा है, फीमेल है ये। सही है। ये 9 मंथ की है। ये 9 मंथ की है जी जी। तो सर इसने ब्रीड तो अभी नहीं की होगी? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी पहले फर्स्ट इसकी हीट हमने जाया करवा दी है। पहली हीट जी जी जाया हो, पहली हीट भाई इसकी जाया हो गई है। तो सर इसकी इसकी डिमांड के बारे में बात कर लें। इसकी हम लोग 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। तो सर ये मतलब उसी मेल के साथ पेयर है आपका? नहीं नहीं, ये अलग से। ये अलग से। ये अल्सेशियन जर्मन शेफर्ड में। अच्छा अच्छा, तो ब्रीड का फर्क है इसके अंदर। अच्छा तो सर इसकी डिमांड में मतलब कुछ हो जाएगी कमी? इंशाल्लाह हो जाएगी, भाई लेने वाला हुआ कर ले। और सर इसकी पेडिग्री के हवाले से बताइए। ये भी नॉन पेडिग्री। ये भी नॉन पेडिग्री। ये बिल्कुल ही नॉन पेडिग्री है। अच्छा इसके डॉक्यूमेंट भी नहीं है? मतलब इसके डॉक्यूमेंट भी मिस नहीं है? ये वैक्सीन वगैरह इसकी करवाई है अभी, एक और डोज लगवाई हमने। सही है। और सर इसके कोड वगैरह के बारे में बताएंगे? कोड शॉर्ट कोड है ये। ये भी शॉर्ट जी, ये शॉर्ट। ये भी शॉर्ट कोड है भाई। ये देखें वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो सर के पास, ये भी हमने लगवाई है। ये देखें वैक्सीनेशन सर ने करवाई भी इसकी, कार्ड है सर। अच्छा तो सर एक बात बताइए, अगर कोई लोकेशन पे आपसे मिलना चाहता है? जी जी, नॉर्थ नाजमाबाद। सही है। पहाड़गंज। सही है। उमर फारूक लोनी। सही है। तो भाई पहाड़गंज पे आप लोग मिल सकते हैं अजहर अली शाह स्टेडियम के करीब। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने इतना टाइम दिया। अच्छा सर अपना नंबर बता दीजिए आप। 0315। सही है। 69। सही है। 59। 840। और भाई का नाम? मरकज मसीह। मरकज भाई का नाम, मरकज भाई का ये डॉग है। तो भाई मरकज भाई से आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अजगर अली शाह स्टेडियम के करीब जो है सर आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहनत सब एक डॉग है, बड़ा खूबसूरत सा डॉग है। अभी इनके ऑनर से मालूम कर लेते हैं इसकी डिमांड वगैरह के बारे में। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर पहले तो ब्रीड के हवाले से बताइए। भाई रशियन है। रशियन है। 11 महीने का है, डबल कोटेड में। डबल कोट में है, 11 महीने का है। सर मेल है ये? मेल है। मेल है। तो भाई ये मेल है, आप लोग देख सकते हैं। सर पेडिग्री के हवाले से कुछ बताइए। नहीं पेडिग्री नहीं, नॉन पेडिग्री, रशियन है। अच्छा नॉन पेडिग्री है भाई ये। और ये है प्योर। सही है सर। तो सर डिमांड की बात कर लें हम तो? 10,000 रुपये डिमांड है। 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ भाई इसकी डिमांड है डॉग की। देख लेते हैं मतलब काफ़ी प्लेफुल है और फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है डॉग है ये।
ये फैमिली एनवायरनमेंट के लिए तो सर बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन डॉग है फैमिली एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो सर इसमें प्राइस में थोड़ी बहुत और हो जाएगी कमी पेशी, थोड़ा बहुत कोई आएगा व्यूअर आपका तो उसके लिए कर लेंगे, थोड़ी बहुत हो जाएगी इसमें। तो सर आप ऐसा कीजिए अपना नंबर शेयर कर दीजिए। मेरा है 0316 सही है 100 सही है 2664 सही है और भाई का नाम वजाहत अली। वजाहत अली, तो भाई वजाहत साहब से जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। सर इसके अलावा भी और डॉग्स होते हैं? नहीं अभी फिलहाल ये एक ही, अभी फिलहाल यही है सेल करने के लिए। तो भाई फिलहाल यही है सर के पास अभी सेल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त सा डॉग मिल गया है और जो है डॉग के ऑनर से बात करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो ब्रीड के हवाले से बताइए। ये पिटबुल ब्रीड है। सही है सर, अमेरिकन पिटबुल है और वो 2 साल एज है इसकी। सही है 2 साल इसकी एज। अच्छा सर ये फीमेल है? ये फीमेल है, फीमेल दो बार ब्रीड कर चुकी है। दो बार ब्रीड कर चुकी है भाई, दो बार देख लें आप लोग, पहले ब्रीड भी कर चुकी है ये फीमेल, ब्रीडर फीमेल। अच्छा सर अगर वैक्सीनेशन की बात कर लें हम तो? वैक्सीनेशन कम्प्लीट है, वैक्सीनेशन कम्प्लीट है, वैक्सीनेशन सर ने जो है वो करवाई भी है इसकी। अच्छा सर इसके अलावा डिमांड की बात कर लें सर हम? डिमांड तो 30 कर रहे हैं लेकिन मार्केट के लिहाज से जो है ना आजकल की महंगाई के हिसाब से 25 बोल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 25 से भी नीचे कर लेंगे कोई आ जाएगा तो। अच्छा 25 से भी, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई, लोगों का खाना पीना जो है ना इनका भी मुश्किल हो गया, लोगों का भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई सर जो है वो कह रहे हैं कि 25 से भी नीचे कर देंगे अगर कोई सही कस्टमर आता है इनके पास तो। अच्छा सर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। नंबर है परवेज नाम है 0345331651। तो भाई परवेज भाई का ये नंबर है। परवेज भाई अगर लोकेशन पे अगर कोई मिलना चाहे आपसे? लोकेशन पे दस्तगीर है, दस्तगीर सुबह नगर आशा मंदिर के करीब ना। सही है, तो वो तो कोई कांटेक्ट कर लेगा आपसे तो आप आ जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई आपने तक किया। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा जबरदस्त सा हमें डॉग मिल गया, जिसको ऑनर से मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ब्रीड के हवाले से पहले बताइए कौन सी ब्रीड है ये? ये पिटबुल है। अच्छा तो भाई सर इसकी वैक्सीनेशन के बारे में सर कुछ बताइए थोड़ा बहुत। वैक्सीनेशन इसकी हुई है पूरी, वैक्सीनेशन कराई है। और सर इसकी एज कितनी है? एज है 9 मंथ का। 9 मंथ, तो इसने ब्रीड तो नहीं की होगी? अच्छा तो भाई 9 मंथ इसकी जो है वो एज है। और सर डिमांड क्या कर रहे हैं? 25,000 भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं। और सर इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी है या फाइनल है ये? फाइनल है, बिल्कुल फाइनल है। तो भाई बिल्कुल फाइनल है इसके 25,000 है। आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं? 0310-122-1382। सही है, तो भाई भाई का ये नंबर है। और नाम क्या है आपका? डेमियन। तो भाई भाई से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और जो नेगोशिएशन हो और वो करवा सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये देखें एक और बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों को डॉग दिखे यहाँ पे, बड़ा प्यारा सा है, अभी इनके ऑनर से मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पहले तो ये ब्रीड के बारे में बताइए कौन सी ब्रीड आपके पास? सर ये अगवान गुटी है। अगवान गुटी है, तो सर इसकी एज वगैरह के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? इसकी एज है 6 मंथ। अच्छा तो सर मेल है ये फीमेल है? ये फीमेल है, फीमेल है। तो सर अभी ब्रीड तो अभी इसने नहीं की होगी? नहीं नहीं है। अभी तो बच्चा है, बच्चा ही है। सही है, तो भाई अभी तो ये पपी है, छोटा बच्चा है ये। और सर इसकी वैक्सीनेशन आपने करवाई है? इसकी 2 वैक्सीन हो गई हैं, तीसरी बाकी है, तीसरी बाकी है। तो भाई तीसरी वैक्सीनेशन जो है वो अभी होगी। सर डिमांड की अगर बात कर लें इसकी? यार कोई भी शौकीन आ गया ले जाए। अच्छा तो मतलब कुछ एक आइडिया तो दीजिए फिर भी थोड़ा सा। यार जो उसका दिल करेगा उसके दिल के हिसाब से दे देंगे भाई, दिल के हिसाब से। हम अब जा रहे हैं बाहर। अच्छा माशाल्लाह सर, तो भाई जा रहे हैं बाहर, इनको संभालने वाला काम नहीं है अब। अच्छा तो सर एक एवरेज दे दीजिए 10,000-20,000-30,000 बस। 10,000 में बोलेगा हाँ, कोई भी शौकीन आए और ले जाए भाई, शौकीन आए और ले जाए। सर बोल रहे हैं कि बड़े रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को दे देंगे। तो सर आप अपना नंबर ऐसा कीजिए शेयर कर दीजिए। 03-11-2432-204। और भाई का नाम? शहजाद। शहजाद, तो भाई शहजाद साहब का जो डॉग है इसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं शहजाद साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत प्यारा सा मुझे डॉग मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये कौन सा डॉग है पहले तो ये बताइए? ये पपी है। सही है, थोड़ी रात में। अच्छा तो सर इसकी एज वगैरह के बारे में पहले कुछ बताइए? तकरीबन ये 1.5 महीने से ऊपर का हो चुका है। 1.5 महीने से ऊपर का हो चुका है, सही है। तो सर इसकी वैक्सीनेशन तो अभी होने में काफ़ी टाइम अभी जो है, मैंने जितने दिया तो वही करवाया। जाहिर सी बात है अभी एज कम है इसकी, भाई एज तो कम है। तो सर डिमांड की अगर आप बात कर लें तो? डिमांड की फाइनल में 8 मांग रहा हूँ। फाइनल 8 हो रहा, इससे मतलब कम नहीं होगा? कम नहीं, अगर थोड़ा कोई आ जाएगा गुजारा कर लेंगे। सही है, तो भाई 8,000 रुपये सर जो इसकी डिमांड कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो सर आप ऐसे कीजिए अपना नंबर शेयर कर दीजिए ताकि कोई कांटेक्ट करना चाहे। 0312। सही है, 90-66-800-34। तो भाई ये जो है भाई का नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर दोस्तों मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं और भाई के पास जो है वो 2 पपीज हैं, अभी भाई से मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पहले तो ब्रीड के बारे में बताइए। सर ये जर्मन शेपर्ड ब्रीड है। सही है, तो सर ये दोनों मतलब मेल है या मेल फीमेल? ये 8 मेल हैं।
मेल है जी भाई, ये दोनों के दोनों जो है वो मेल है। सर एज की अगर हम बात कर लें तो एज इनकी 35-40 दिन हो गई है। 35-40 दिन है तो अभी तो छोटे हैं, इनकी वैक्सीनेशन में भी अभी थोड़ा टाइम है। फार्गो की वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा वैसे लगाई है जी जी, फार्गो की वैक्सीन की हुई है। सही है, तो भाई वो वैक्सीन की हुई है और बाकी जो नॉर्मली वैक्सीन होती है वो अभी होती है। सही है सर, तो डिमांड के बारे में अगर बात कर लें, डिमांड सर ईच पपी जो है 50,000 रुपीज़ भाई, 50,000 रुपीज़ जो है वो डिमांड। फादर इनका जो है पेडिग्री है, मदर इनकी नॉन पेडिग्री। अच्छा फादर जो है भाई इनके पेडिग्री है और मदर जो है वो नॉन पेडिग्री। अच्छा सर तो क्या कहते हैं डिमांड में थोड़ी बहुत निगोशिएशन कमी पेशी है जी? आपका कोई व्यूवर्स आएगा तो ज़रूर टाउन करेंगे। सही है, तो भाई थोड़ी बहुत जो है वो कमी पेशी हो जाएगी इसके अंदर। सर आप अपना नंबर ऐसा कीजिए शेयर कर दीजिए। नाम मेरा मून है और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0342-835-2877। सही है, तो भाई मून साहब के जो है ये डॉग्स हैं इसके लिए आप, और सर इसके अलावा और डॉग्स भी होते हैं आपके पास? इसके अलावा भी मिल जाएंगे, बहुत से डॉग हैं हमारे पास। सही है, तो व्हाट्सएप पे यानी कि कोई आपसे अगर कॉन्टैक्ट करेगा तो फिर वो पिक्स वगैरह आप उसको जी 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 वीडियो शेयर कर देंगे। आपको कोई डॉग चाहिए तो आप मून साहब से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।